तो हेलो गाइस, कैसे और सबका स्वागत है एक नई फ्रेश वीडियो में टू साइड गेमर्स की। तो आज जो है गाइस हमारे साथ खेलने वाले जिग्स भाई यानी कि जिगर पटेल। तो जिगर पटेल गाइस गुजरात के रहने वाले, और यार इनके बारे में आज थोड़ी हम बातें करेंगे, ठीक है। इनको पता नहीं, शायद से मैं इनके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। मैंने इनसे थोड़ी चैटिंग की और कहीं ना कहीं इनसे जो है थोड़ी बातें निकालने की कोशिश की मैंने। तो आज मैं जो है उनके बारे में बताने भी वाला हूँ, उनकी जो आवाज़ भी आपको सुना होगा कि कैसे जो है जिगर भाई है। और काफ़ी जो है फ्री फायर में बहुत सारे जो अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स भी हो रहे हैं यार, काफ़ी लोग होस्ट कर रहे हैं, काफ़ी छोटे यूट्यूबर्स टूर्नामेंट भी करवा रहे। तो गाइस यहाँ पर जो है हमारे पास एक ऐप है जिससे यार आप जो है टूर्नामेंट करवा सकते हो, गेमिंग अखाड़ा नाम है उस ऐप का। तो अगर यार आपको अगर अच्छा लगता है टूर्नामेंट्स खेलना तो आप जो है गेमिंग अखाड़ा ऐप डाउनलोड कर सकते हो और इजीली जो है टूर्नामेंट में पैसा कमा सकते हो। ऑल्सो गाइस अगर आपने इंस्टाग्राम पे टू साइड गेमर्स को फॉलो नहीं किया है, वहाँ पर भी हम जो है टूर्नामेंट्स की जो अनाउंसमेंट करते रहते हैं, तो वहाँ पर भी आप जाके इंस्टाग्राम पे जल्दी फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलो गाइस अब जो मैं आपको कुछ बातें जो है गेमिंग अखाड़ा के बारे में बताता हूँ, फिर जो मैं जिग्स भाई के बारे में बोलना चालू करूँगा। और यार मतलब बहुत कुछ बोलना था यार, पहले देख लीजिए। तो गाइस बात करेंगे फ्री फायर के टूर्नामेंट्स के बारे में। तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे पहले लिंक मिल जाएगी गेमिंग अखाड़ा ऐप की, और इसमें गाइस आपको बहुत सारे फ्री फायर के टूर्नामेंट्स मिल जाएंगे जिसमें आपको साइन अप करने के 10 रुपीज मिल जाएंगे, और इसमें आप बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेल सकते हो गाइस। अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं, आपको गेमिंग स्किल्स अच्छा है, तो गेम खेल के आप इजीली पैसे कमा सकते हो गाइस। इसमें बहुत बड़े बड़े प्राइज पूल भी है। तो और आपको गाइस आईडी और पासवर्ड इसमें 10 मिनट पहले मिल जाएगा जब भी आप ज्वाइन करोगे, उधर टाइमिंग लिखा रहता है, तो प्लीज़ चेक कर लेना और डाउनलोड करो। लिंक सबसे ऊपर दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, जाओ जाके डाउनलोड करो और खेलो। कर होप करते आपको जो है अच्छा लगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, जल्दी जाओ डाउनलोड कर दो ये ऐप। तो यार अब बात करते हैं जिग्स भाई के बारे में, तो यार कहाँ से स्टार्ट करें। तो यार सबसे पहली बात ये कि जिग्स भाई के जो टोटल 14 या फिर 13 गिल्ड है, ठीक है, और इनके गिल्ड का नाम बॉस गिल्ड है। काफ़ी बंदे इनके गिल्ड में, मतलब हर गिल्ड में 50 बंदे और इनकी 14 गिल्ड है, ठीक है, पहली बात तो ये, ठीक है। और यार मतलब हर बंदों के आगे जो नेम बॉस है, और ये जो हम गाइस गेम खेल रहे थे डुओ वर्सेस स्क्वाड, ये रैंक माइनस होने के एक दिन पहले का था, ठीक है। और यहाँ पर सब बंदे रश खेल रहे थे, हमने सोचा थोड़ा अच्छे से खेलते, बुइये के लिए खेलते, काफ़ी टफ मैच चाहिए। और दूसरी अगर बात करें इस गेम में ऑफिशियल एक बॉस का बंदा भी आया था, तो जिगर भाई ने बोला इस बॉस का बंदे को हमें देखना पड़ेगा वरना ये मुझे मार के नाचेगा, तो हमें थोड़ा ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो मैंने वो मारने में पूरी मदद की उनकी, तो आप अगर लास्ट तक गेम प्ले एन्जॉय करोगे तो बहुत मज़ा आएगी। पहले अगर टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करें, आप जो है कभी भी गाइस अगर आपको रैंक पुश करना है, आप कभी भी जो आपकी एकदम बेस्ट सेटिंग रखो। दूसरी अगर बात करें केप टाउन, ग्रेवयार्ड, ऐसी सब जगहों पे उतरो जहाँ पर आपको जो अच्छी खासी लूट मिल जाए। दूसरी अगर बात करें तो यार अब जो है जिगर भाई की जो है, मतलब उनको पता नहीं शायद मैं ये क्लिप्स यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जो है सीधा मतलब जिगर भाई जो है कम शब्दों में बोलूँ तो काफ़ी रिच है, ठीक है, काफ़ी अमीर है, गुजरात का एक रहने वाला सदस्य। और यार मतलब गरीब लोगों में बहुत कुछ जो है ये डोनेट करते हैं, जैसे कि इनकी जो है कम से कम 4 या फिर 5 स्कूलें हैं जिधर ये डोनेट करते हैं, और खुद के स्कूल्स हैं, इन्होंने खुद स्कूल खड़ी की है, और वहाँ पर जो है उनको बुक्स प्रोवाइड करते हैं फुल फ्री, ठीक है, वहाँ पर एडमिशन भी पूरा फ्री है। और ये सब जो है गाँव में है, क्योंकि यार जिगर भाई का जो बचपन है बहुत मुश्किल रहा है, बहुत कठिन रहा है, ठीक है। तो यार हमारी बहुत अच्छी रिलेशन है जिगर भाई से, इसके लिए यार हमें ये सब पता है, उन्होंने बोला। और यार मतलब ज़्यादा ये दिखावा भी नहीं करते, ये गेम में भी उसके लिए बैजेस खरीदते ताकि जो है इंडिया का कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाम रहे कि यस भाई इंडिया में भी लोग हैं जो बैजेस इतना खरीद सकते हैं। और इनके गिल्ड के काफ़ी बंदे जो बैजेस खरीदते हैं, ये ना फोर्स करते किसी को अपने गिल्ड में आने के लिए, सबकी यार मतलब इनका जो केयर है, इनका जो फैमिली टाइप जो ये रखते हैं यार बंदों को, वही एक बहुत बड़ी चीज़ है जो बॉस गिल्ड को सबसे ऊपर रख रही है आज के टाइम में, तो ये बहुत बड़ी बात है। पर मतलब काफ़ी सही है। और दूसरी अगर बात करें, इनको जो है बहुत घूमने का शौक है, इनके पास कम से कम 4, 6 या फिर 7 गाड़ी है, उसमें से 3-4 BMWs है और काफ़ी सारी बाइक्स है। इनका बाइक्स का कलेक्शन अगर आप देखोगे तो चौंक जाओगे शायद, मैं फ़ोटोज़ यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको गाइस अगर एक और वीडियो चाहिए उसमें जिग्स भाई ने मुझे फोटोज़ और उनकी क्लिप भी है मेरे पास, ठीक है, वो सब अगर आपको चाहिए तो गाइस सब्सक्राइब करो। और यार मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको जिगर भाई की ये सब आवाज़ क्लिप्स और वो सब चाहिए या नहीं चाहिए। और नेक्स्ट जो गेम है मैं जिगर भाई के साथ बात करके खेलूँगा, तो वो भी अगर चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ये वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ठीक है। अगर यार अभी तक आपने शेयर नहीं किया है, इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन ऑन फ्री फायर शायद से मैं बोल सकता हूँ आज की टाइम में, तो जिगर भाई है जिग्स पटेल जो कि यार बॉस गिल्ड के ऑफिशियल लीडर है। और यार बहुत फेक नेम्स भी बन गए इनके नाम के, लेकिन भाई विश्वास करो इनके बैजेस आप देखो और यार आप खुद ही चौंक जाओगे इनके जब आप बैजेस देखोगे। तो यस यहाँ पर चलो अब जो थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं।
तो चलो गाइस अब जो यहाँ पर थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हैं। 9 बंदे जो ऑलरेडी अलाइव है, यहाँ पर जो है नीचे एक बंदा और शायद यार हमें पता नहीं चल रहा, ऑलरेडी 3 किल जो मेरा इजीली हो चुके हैं, यहाँ पर जो अच्छी खासी आपकी प्लस हो ही जाएगी। अब बंदे जो है राइट साइड में भी, और आपको जो है कभी भी गाइस ओपन नहीं खेलना, आपके पास कम से कम 3 या फिर 4 ग्लू वॉल होनी चाहिए अगर आपको इतनी ओपन खेलना। और यार सुन जो है अपडेट की वीडियोस आने वाली चैनल पे, न्यू इलाइट पास एंड ऑल जो है चैनल पे आने वाला है, तो फटाफट सब्सक्राइब करो। जिसने यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन प्रेस कर दो जल्दी से। और यार हेडशॉट कैसा लगा यार, अगर ये आपको गाइस हेडशॉट अच्छा लगा प्लीज लाइक कर देना। 11,000 लाइक का एम है, ठीक है, बहुत बड़ा एम है आई नो, लेकिन यार आप लोग कवर कर दोगे, 11,000 लाइक का एम है, तो जल्दी जाओ लाइक कर दो। फिर गाइस बात करें यार मतलब जिगर भाई के, अगर घर में किसी का फेस्टिवल है या फिर किसी का बर्थडे, तो यार मुझे तो पता नहीं, लेकिन यार मैंने ऑफिशियली सब फोटोज़ भी देखे, तो यार मैं विश्वास कर रहा हूँ आपका मुझे पता नहीं, पर नेक्स्ट वीडियो में यार मैं आपको फोटोज़ भी दिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी इनके घर में कोई ओकेशन या फिर कुछ होता है, तो इनके आजू बाजू में जो आश्रम और वो सब रहते हैं, जिगर भाई जो है वहाँ पर बहुत सारा खाना जो डोनेट करते हैं, ताकि उनको अच्छा लगता है ये सब करना, क्योंकि उनने बचपन में ये सब देखा नहीं, और उनको यही उनका स्लोगन है, आप बोल सकते हो एक स्लोगन है कि जितना वो देंगे उतना जो उन्हें मिलेगा, तो बस वो जो है इतना ही अच्छा काम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में और कर रहे हैं। और यार ऑफिशियली जो है मतलब फ्री फायर में भी बहुत लोगों को टॉपअप करवा के देते हैं, ये पैसे के लिए जो है अभी इतना फेमस नहीं है जिगर भाई, इनकी गिल्ड और इनकी परफॉर्मेंस की वजह से इतना फेमस हो गए। पहले जिगर भाई को खेलना कम आता था, पर अब इनकी जो प्रैक्टिस है बहुत तगड़ा खेलते हैं, और सून जो टूर्नामेंट में भी पार्टिसिपेट करने वाले। इन्होंने अभी जो है रिसेंट एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें इन्होंने प्राइस जो है 13,000 रखी थी, वो भी फ्री एंट्री, समझ लो गाइज फ्री एंट्री 13,000 प्राइस। मतलब गाइज अगर फ्री फायर में इतना कर सकते तो रियल लाइफ में क्या क्या नहीं कर सकते। तो चलो गाइस बात करें अभी टिप्स एंड ट्रिक्स की, तो यार पहली बात गाइस सबसे मेन यार डेंजर में आपको कभी भी बाहर नहीं रहना है, क्योंकि गाइस मेरा जो स्क्वाड है लाइव स्ट्रीम में 3 बार जो है पूरा स्क्वाड 4 बंदे डेंजर में आके मरे थे, और मैं तो बहुत पनौती यार डेंजर के लिए, आपका पता नहीं, लेकिन गाइस ट्राई करो कभी भी अगर आपके सामने डेंजर है तो आप डेंजर के सामने कम ही जाओ, क्योंकि आप ऐसे ही आप बिन फुकट मर जाओगे, तो यार बिन फुकट जो है मरना भी अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर गाइस अलाइव सिर्फ 7 बंजे और जिगर भाई अपने साथ खेल रहे, लेट्स सी गाइस गेम कैसा होता है, और गाइस लास्ट की फाइट जरूर देख के जाना। और गाइस यार अभी तक जिसने भी यार टू साइड गेमर्स को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, क्योंकि यार बहुत सारे जो बच्चे आजकल इंस्टाग्राम पे है, तो अगर आपने अभी तक टू साइड गेमर्स को फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम के, डिस्क्रिप्शन में जो है दूसरी की तीसरी लिंक है इंस्टाग्राम पे, तो जल्दी जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो यार हमें जल्दी से, क्योंकि इंडोनेशिया जाने वाले TSG टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने मैच के लिए इंडिया को रिप्रेजेंट करने इंडोनेशिया जा रहे हैं, तो बाकी सब अपडेट जो आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगी। और दूसरा जो है 50,000 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे होने वाले टू साइड गेमर्स के, तो यार जल्दी जाओ फॉलो करो इंस्टाग्राम पे फटाफट, वहाँ पर हमारी पर्सनल आईडीज़ भी है, आप हमको भी जाके वहाँ पर फॉलो कर सकते हो, और जश और ऋतिक दोनों को जो आप वहाँ पर देख सकते हो। तो चलो गाइस यहाँ पर जो अगर बात करते हैं यार गेम की, 7 बंदे जो है यहाँ पर अलाइव है, 5 किल जो ऑलरेडी हो चुके हैं, और यार मतलब ये मेन जो है आज का वीडियो का एम था जिगर भाई का जो अच्छा, पर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा एक वीडियो क्यों ना बनाई जाए, और सुन जो मैं जिगर भाई के सब फोटोज़ और ये सब भी बताऊँगा, ठीक है आपको यार मतलब क्या जो है ये बंदा है, और काफ़ी अच्छे लगे मेरे को ये दिल के, और कभी ऊँच नीची बात नहीं करते मतलब किसी के साथ, या फिर इतने बंदे जो इनके कॉन्टैक्ट में, यानी कि 14 गिल्ड और हर एक में 50-50 बंदे, तो भी किसी से झगड़ा नहीं। यहाँ पर कैसे आप देख सकते हो हवेली में जो जिग्स भाई अकेले घुस गए, उनके मुंह पे जो 3 बंदे आ गए थे और 3 बंदों ने जो है इनको खा लिया। और अगर मैं आपको एक बात कहूँ, इन्होंने किसको मारा मतलब किसने इनको मारा, देख सकते हो बॉस गाइस, बॉस के ही बंदों ने जो है अपने जिग्स भाई को मारा, और बॉस गिल्ड जो है जिगर भाई की। अभी 14 गिल्ड में से ये बंदा कौन सा गिल्ड में, जिगर भाई को नहीं पता, जिगर भाई ने बोला जश अगर तुम ये कर दिखाओगे तो मज़ा आ जाएगी। तो गाइस यहाँ पर यार मैंने तो मेरी पूरी ट्राई की, यहाँ पर आप देख सकते हो एक बंदा जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर डाउन कर दिया। कभी भी गाइस अगर आपके पास साइलेंसर है तो आप कभी भी ट्राई करो AK-47 या फिर स्कार से खेलने की, बहुत रैपिड चलती है, ठीक है पहली बात तो बहुत रैपिड चलती है। यहाँ पर जो लेफ्ट मैंने एक बंदा नॉक कर दिया यानी कि किल कर दिया, 3 बंदे जो अभी तक बचे। यहाँ पर सोलो वर्सेस स्क्वाड जो लास्ट में गेम हो चुका था, यहाँ पर एक और एक बंदा काफ़ी डैमेज 63 का हेडशॉट लगा था, पर बंदा कहीं ना कहीं हवेली के जो है अंदर चला गया, इस घर को हवेली बोलते हैं। राइट साइड में मैंने एक बंदे को ऑलरेडी स्पॉट कर दिया है, पर उसको लगता है मैंने उसको स्पॉट नहीं किया, क्यों मैं अंधा हूँ, नहीं मैंने उसे देखा, मैंने उसे बहुत डैमेज भी दिया, पर कहीं ना कहीं शायद से वो ग्लू वॉल के पीछे जो चुप चुका है, और मैं देख रहा था एट अ टाइम गाइज अगर आप एक जगह पे मार रहे तो वही वहाँ पर आप कंटिन्यूसली शूट मत करो, आप वहाँ पर मारो और फिर दूसरी जगह भी मारो। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ा, मेरे को ग्लू वॉल लगानी पड़ी क्योंकि सिर्फ 2 ग्लू वॉल थी और सेफ जोन पूरा ओपन था, ग्लू वॉल थी
थी जरूरी एंड तक, लेकिन यार कंजूसी नहीं कर सकते, अगर यहीं पर मर गए तो गए। यहाँ पर शॉर्ट लेन में एक बंदा गया, यहाँ पर मैंने कैसेट तो डाउन कर दिया, दूसरी ग्लोअ लगा ली, वो बंदे को मैंने खत्म कर दिया। दूसरी जो राइट साइड से एक दो बंदे आ रहे थे, ये करना बहुत मुश्किल था, एक बंदा एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर एक और को मैंने डाउन कर दिया, काफ़ी टफ था, एक बंदा आया हेडशॉट, यहाँ पर दो हेडशॉट और एक किल। यहाँ पर गाइस पूरी जो है सोलो वर्सेस स्क्वाड जो पूरी किल हो गई, और यार मस्त गेम प्ले हो गया, और जिग्स भाई ने कहा वेल प्लेड, यार मजा आ गई थी गाइस ये गेम प्ले खेलने में। चल अगर गाइस आपको यार अच्छे लगे प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना यार ये वीडियो। और